मानव आज तुम क्या बना कर लाए हो? खीर। खीर? Wow, I love खीर। मानव तुम सही कहते थे कि तुम्हें कुकिंग का बहुत शौक है। और नहीं तो क्या? अच्छा खीर खाती रहोगी कि शो की शुरुआत करोगी? हाँ क्यों नहीं। नमस्कार, मानव और मैं हाजिर है फिर से आधा फुल के नए किस्से के साथ। नमस्कार, पसंद आई खीर? वेरी नाइस। और क्या क्या पसंद है तुमको? मुझे गाना गाना और बाइक चलाना। क्या यानी खीर और गाना गाना तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाइक चलाना भी पसंद है तुमको? मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। तुम लोग सब ऐसा क्यों सोचते हो कि हम लड़कियां सिर्फ रसोई में करछी चला सकती हैं, सड़क पर बाइक नहीं? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, सच। ठीक है, तुम नहीं समझते, मान लिया, पर बदलीपुर में तो ऐसा ही सोच रहे हैं। हाँ? देखो खुद समझ में आ जाएगा। माँ भी ना कसम नहीं दी होती तो ये कभी नहीं करती। तो कितनी इतनी बुरी भी नहीं लग रही है। एक सेल्फी हो जाए। सारा को भेज। बात तो है। क्या बात है भाई? बात कुछ बात नहीं। और तुम हमारे रूम से बाहर जाओ। भाई ये रूम हमारा भी है। अच्छा एक मिनट। हेलो, मेरा फोन क्यों उठाता है तू? तो तुमने हमें फोन किया क्यों? तुझे फोन नहीं किया है, तारा को किया है। उसे फोन दे, चल। ओ सच्ची? हाँ और नहीं तो क्या? तो हमें भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तारा ये लो, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करो। हेलो। हाँ किटी बोलिए। फोन रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर बैठ के बात करो। सॉरी भाई। तारा सॉरी। फोटो देखा तूने? कौन सी फोटो? अरे मेरी फोटो मैंने अभी भेजी ना। एक्चुअली फोन मेरे पास नहीं था, फोन तो भाई के पास था। क्या प्रिंस ने फोटो तो नहीं देखी मेरी? पता नहीं भाई ने फोटो देखी या नहीं। देख तारा उसे बिल्कुल मत देखने देना, ठीक है? नहीं तो वो बहुत हंसेगा मुझ पर। वो मैं ना एकदम सज सज के बैठी हूँ। सज सज के? पर क्यों? अरे मुझे लगता है पापा ना मेरे लिए कोई रिश्ता लाए। बोल तो नहीं रहे लेकिन ऐसा ही है। ओ मतलब शादी? किसकी शादी? किटी की शादी। कौन इतने सवाल पूछता है? भाई। अच्छा अच्छा आप ये बताइए कि आपके घर पे आ कौन रहा है? मुझे भी नहीं पता, कह रहे हैं कोई खास मेहमान। ये पापा शादी के लिए कोई लड़का ना ले आए। फिर तो पक्का लड़की को शादी के लिए बुलाया होगा। किट्टी शादी कर कैसे सकती है? किट्टी तैयार हुई कि नहीं? हाय सुन ना, मम्मी बुला रही है, मैं बाद में फोन करती हूँ तुझे, ठीक है? ओके बाय। अब भाई किटी फोटो में कितनी अच्छी लग रही है ना, देखिए। हमें नहीं देखनी, तुम्हें देखो। ठीक है। किटी ये सब क्या है? फिर से भाभी ने कोई कसम दी है क्या? माए की दी होती तो टरका देती, अब खुद की दी थी तो क्या करूं? क्यों आज ऐसा क्या है? कोई खास मेहमान आने वाला है खाने पे। खाने पे? कौन? मैंने वो नया मैनेजर रखा है, अब अकेले से नहीं संभलता मुझसे ये सारा काम। साल दर साल काम बढ़ ही रहा है,
और इस अर्जुन को तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो अपनी डॉक्टरी में रमा हुआ है। भैया कुछ साल की बात है, किट्टी को अपनी इंजीनियरिंग पूरी करनी दीजिए, उसके बाद आपका पूरा काम संभाल लेगी, फिर आप अच्छे से रिटायर हो सकते हैं। क्यों किट्टी? करेक्ट चाचू, आपकी कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाऊंगी मैं, नंबर वन ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ, भर दो ये सारी बातें इसके दिमाग में, ना शादी करेगी ना ससुराल जाएगी। यार फिर शादी शादी शादी। अच्छी, अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, एक बार शादी करके अपने घर चली गई ना, फिर सब ठीक हो जाएगा माई की कृपा से। ये लीजिए आप पानी। अपने घर? क्यों, ये मेरा घर नहीं है। बेटा लड़की पराया धन होती है, हमारे पास तो तू अमानत के तौर पे है भाई, असली घर तो तेरा ससुराल होता है। आज बेटा होता ना तो ये मैनेजर नहीं रखना पड़ता। बस यही तो प्रॉब्लम है भैया, लड़की की गिनती तो होती नहीं है घर में, जीरो से शुरू होकर जीरो पे ही खत्म हो जाती। सोचिए अगर ये किट्टी नहीं किट्टू होता तो? किट्टू होता तो मैं घर का राजा बेटा नहीं होता, अब किट्टी हूँ तो बस कुछ दिन की मेहमान हूँ। देखा कितनी जल्दी समझदार हो गई। अरे लगता है आपके वो मैनेजर जी आ गए। अब उसके सामने मत शुरू कर देना ये सब। किट्टी तुम चलो मेरे साथ किचन में। क्यों, मिलना नहीं है? अरे चाय लेके आएगी ना ट्रे में। अरे बट नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे आइए आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? अर्जुन ये हरजीत। हेलो। हाय। बैठिए ना। और ये अर्जुन है, डॉक्टर अर्जुन, मेरा छोटा भाई। भाई अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल, और फिर इन्होंने तो MBA भी किया हुआ है। भाई क्या बताया कहाँ से? सर अहमदाबाद। इतने टैलेंटेड लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अब इससे पहले कहाँ पे काम करते थे? इससे पहले मैं गुजरात की एक बहुत बड़ी फर्म में था। ये मेरी धर्म पत्नी है कमलेश। बैठिए ना। हाँ। ये लीजिए बात। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ। तो फिर इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के आप हमारी छोटी सी फर्म क्यों ज्वाइन करना चाहते? सर एक्चुअली आजकल के जमाने में बड़ी फर्म्स में ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, और मैं जानता हूँ कि आपकी फर्म को आगे लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, बट आई लव चैलेंजेस, और साथ साथ में मैं यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकूंगा। देखा इसीलिए रखा है मैंने उनको। जल्दी से ट्री लेके जाओ। मैं क्यों लेके जाऊँ? माँ देखो आपकी कसम के चक्कर में ना मैंने पहले ये सब कुछ पहन लिया, ये कम है क्या? भाई ये अर्जुन इसको बिजनेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, डॉक्टर है ना, किताबों के बाहर की दुनिया इसने देखी नहीं है। वैसे गरीबों के लिए महीने में 10 दिन कैंप लगाता है, अभी फिर जा रहा है वहां बीच बियाबा में, जहां उन बेचारों को कोई नहीं पूछता। पर सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो सिर्फ पैसे कमाते हैं, लेकिन ये तो पैसों के साथ साथ लोगों की दुआएं भी कमा रहे हैं, और इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है सर? बोर्ड किसके लिए? तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ। पर ये रूम तो हमारा भी है ना? किसने कहा तारा? वो तो हम बस तुम्हें अंदर आ जाने दिया करते, इसका थोड़ा रूम तुम्हारा हो गया, रूम हमेशा से हमारा ही था। हमारा तो इस घर में कोई अपना कोना भी नहीं है, सबने तो ब्लॉक करके रखा था भाई, आपने भी कर दिया। हाँ तारा। तारा प्रिंस जल्दी आओ। चलो। तारा प्रिंस आओ, माँ बुला रही, चलो। तारा आवाज तो यहीं से आ रही थी भाई, ये रूम तो खाली है भैया, कितना अंधेरा भी है। ये रूम पहले खाली था, लेकिन अब से आप यहाँ रहेंगी तो खाली नहीं रहेगा। मतलब? मतलब कि जैसे वो वाला कमरा हमारा है, वैसे ये वाला आपका। मतलब सिर्फ हमारा? सिर्फ आपका रूम। मतलब अब हम यहाँ जो जाए वो कर सकते हैं? बिल्कुल। कितना अच्छा रूम है ये,
अच्छा भाई, इसीलिए आपने हमें ब्लॉक किया था ना? सब नाटक था ना? और नहीं तो क्या, आपको हम सच में ब्लॉक कर सकते हैं क्या? आपको पसंद आया आपका रूम? बहुत अच्छा है माँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज हमारे अकॉर्डिंग है। आज रात को मैं नींद नहीं आने वाली। अब आपका रूम है तो हर चीज आपके इंटरेस्ट की तो होनी चाहिए कि नहीं? थैंक यू माँ। थैंक यू भाई। अच्छा, मेरी कसम के चक्कर में पहना है? हाँ और नहीं तो क्या। तो फिर ठीक है, तुझे मेरी कसम है, ट्रे लेके जा। माँ देखो माँ, यही सब हर बार नहीं चलेगा माँ। हो गई, आ जा किटी। लो किटी आ गई। ये मेरी बेटी है किटी। आप यहाँ? अरे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? सर ये हम वो स्कूल में ना छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो इन्होंने हेल्प की थी हमारी। अच्छा अच्छा, स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? आप समोसे लीजिए ना। हाँ खाओ ना। अरे वाह, क्या कमाल के समोसे बने। वैसे आंटी कमाल के समोसे बनाती हैं आप, बहुत लकी हैं आप सब जिन्हें रोज ऐसे समोसे खाने को मिलते हैं। नहीं नहीं, ये समोसे किटी ने बनाए हैं। हाँ बहुत कुछ बनाती है ऐसा, वो और भी काफी कुछ बना लेती है। पर आंटी सीखा तो आप ही से होगा ना? सीखा तो मुझसे ही है, लेकिन आजकल के बच्चों को कहाँ शौक होता है, लेकिन इसे बहुत शौक है। घर के सारे काम काज में बहुत इसको अच्छा लगता है। हाँ। मुझे तो इतना खाना बनाने का शौक है कि मैं हर रात अपने लिए खाना बनाती हूँ, खुद ही सारा खा जाती हूँ। मतलब आपको खाना बनाना पसंद है? इंजीनियरिंग पसंद है। किटी को देवर जी आप भी कहाँ बातों में उलझा रहे हैं, आप खाइए, हम लोग चाय लेके आते हैं। बस सर अब लीजिए प्लीज, कुछ तो लो सर प्लीज। आप खबर पक्की है, आज रात इसी रास्ते से ड्रग से भरा ट्रक निकलेगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सभी गाड़ियों की तलाशी लो ठीक से। सर सर ये देखिए, चावल की बोरी भी आएगा। ड्रग्स, गिरफ्तार करो ड्रग्स, पकड़ो। नंबर नोट करो गाड़ी का, अब पता लगा इस ट्रक का मालिक कौन है। अरे किसका माल है पता पक, इसके लिए काम करता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस समय सब ठीक ठाक तो है? आपको इस समय मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? क्या हुआ अंकल? ड्रग से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है और वो ट्रक आपका है। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? वही जो आप सुन रही हैं। हरिओम जी, मुझ पे आज तक कभी किसी ने एक पैसे की बेईमानी का इल्जाम नहीं लगाया और आप कह रहे हो कि ड्रग्स की स्मगलिंग की है। अंकल आपको तो पता है ना पापा कैसे हैं, वो कर ही नहीं सकते ऐसा। पर किट्टी सबूत है इनके खिलाफ। लेकिन सबूत तो झूठे भी हो सकते हैं ना भाई साहब। इनके ट्रक में ड्रग्स मिले हैं। इंस्पेक्टर साहब मैं कह तो रहा हूँ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आपने वो ड्राइवर पकड़ा है ना? हाँ। बुलाइए उसे, अभी मामला साफ हो जाएगा। त्रिपाठी ड्राइवर को लेकर आओ। और ये ड्राइवर तो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। दूसरा कौन था ड्राइवर आपको याद नहीं? ये मेरे यहां काम नहीं करता, मैंने इसे आज तक कभी देखा भी नहीं। पर आपका ट्रक तो यही चला रहा था। पापा अगर आपने इसे नहीं रखा तो किसने रखा? मैंने। आपने? ये कौन है? ये वो मेरे नए मैनेजर हैं हरजीत। हरजीत सर एंड टाइम पे ऑर्डर आ गया था और कोई भी ड्राइवर अवेलेबल नहीं था सर, इसलिए इसे रख लिया। वो तो सर ये
जरूरत में था वरना दिहाड़ी में ड्राइवर कहाँ मिलते हैं सर? बिना तहकीकात किए हुए कोई जांच पड़ताल नहीं की सर, टाइम ही नहीं मिला। अब इतनी छोटी सी लापरवाही की वजह से कितना बड़े झमेले में फंस गए। सर मैं हूँ ना, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कुछ करता हूँ। बेटा तुम्हारा ही सहारा, तेवर जी भी बाहर गए हुए तो। अर्जुन जी को बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं आंटी जी, अब जब आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो बेटे जितना विश्वास भी रखिए। अंकल अब तो आपको पता चल गया है ना कि पापा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, अब तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं ना। देखो किट्टी बेटा, मुझे तो कानून के हिसाब से ही चलना होगा। ड्रग्स इनके ट्रक में मिले हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार तो करना ही होगा। आप जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर सर कोर्ट तो अगले 2 दिन तक छुट्टियों के कारण बंद रहेगा। भाई साहब कोर्ट का क्या है, आप तो जानते हैं ना कि ये बेगुनाह है, छोड़ दीजिए इनको। माँ ऐसा नहीं होता है। अजीत तुम वकील साहब से बात करो और इन दोनों का ख्याल रखना। जी सर। मुझे तो कानून के हिसाब से ही चलना होगा। ड्रग्स इनके ट्रक में मिले हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार तो करना ही होगा। पर सर कोर्ट तो अगले 2 दिन तक छुट्टियों के कारण बंद रहेगा। हे प्रभु, इन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अब हमारी लाज आपके हाथ में, इनको बचा लीजिए। ठीक है तू, शक्ल से तो लग रहा रात भर सोई नहीं और कह रही है ठीक है, वाह। अब हमें तो बता सकती थी। हाँ यार, कम से कम रात को बता तो देती। वैसे तो हम बदलीपुर में हर जगह पहुंच जाते हैं, और जब तू दिक्कत में थी तो हम सो रहे थे। किट्टी तुम हम सबको अपना दोस्त मानती हो ना? तू कौन से लड़कियों के मामले में पड़ता है? हाँ तो अब पड़ जाते हैं। गलत किया किटी, जिसके पापा जेल में हो वो क्यों किसी का गलत करेगी? क्या करती तुम लोग को बोल के? कोई फायदा नहीं है, पुलिस कहती है सबूत है उनके पास। माँ कहती है कि जो मुसीबत में रोते हैं ना वो कुछ ना कुछ जरूर खोते हैं। बेटा तारा एकदम ठीक कह रही है, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। बेटा किट्टे वैसे हिम्मत का दूसरा नाम है, है ना? मैम आप किट्टे, हमारा रिश्ता सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं बाहर भी है। संभालिए अपने आप को कमलेश जी। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि बजरंग जी निर्दोष हैं। मैं अभी अभी इंस्पेक्टर साहब से मिलकर आई हूँ, वो छानबीन कर रहे हैं, बस एक बार वो ड्राइवर अपना मुंह खोल दे यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू टीचर जी, वो मुसीबत के समय में ना जब कोई अपना बोल देता है ना कि सब ठीक हो जाएगा कोई संतोष सा मिलता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। माँ ठीक होता नहीं है, ठीक करना पड़ता है। टीचर जी आज अगर हमारा एक बेटा होता ना तो वो दुनिया इधर की उधर कर देता अपने पापा को बाहर निकालने के। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कर तो कितनी भी देगी। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप इसे बेटा कहिए,
या बेटा मानिए, इसे बस बेटी ही रहने दीजिए, बस आप विश्वास कीजिए, फिर देखिए आपकी बेटी क्या करती है। अरे किट्टी, तू प्लान बता यार, क्या प्लान है? पहले तो भवानी काका से मिलेंगे, शायद उन्हें कुछ पता हो। अब तो पूरा बदलीपुर जान जाएगा कि एक बेटी अपने पापा को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। किट्टी बिटिया, उस ड्राइवर के नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं है, दो दिन पहले तो आया था। हाँ किट्टी, भवानी काका बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना तो किसी की एंट्री है और ना कोई इन्फॉर्मेशन है। ये बंदा बहुत सीरियस था अपने काम को लेकर, काम किया निपटाया और अगले दिन ही निकल लिया। वो आया ही स्मगलिंग के लिए था, लेकिन यहीं क्यों? भाई सोचने वाली बात है, आया ड्रग्स की डीलिंग की और उस दिन पकड़ा भी गया। इंस्पेक्टर अंकल ने कहा था कि ड्रग्स की क्वांटिटी बहुत कम है, मुझे लग रहा है गेम सिर्फ इतना ही नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। किटी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? और आप अंदर जाइए। हरजीत, हाँ इसका नाम तो तुझे वैसे भी अच्छे से याद ही होगा। यहाँ क्या कर रही हैं आप? वही जो इस समय एक बेटी को करना चाहिए। लेकिन बजरंग जी ने आपको अपने घर पे रहने के लिए कहा। हरजीत, मेरे घर बैठने से पापा कैसे निर्दोष साबित होंगे? तुम एक मैनेजर बन के आए थे ना, एक ड्राइवर तक को संभाल नहीं पाए। अपने दोस्तों से कहिए यहाँ से जाए अभी। अरे भाई, तू मैनेजर है कि मालिक है? काम धंधा हम भी करते, ब्यूटी एंटी गया, लेकिन हमने कभी किसी को इतनी अकड़ नहीं दिखाई। देश ज्यादा आजाद हो गया तेरे लिए। देखिए हरजीत, ये ट्रांसपोर्ट मेरे पापा का है, यानी मेरा भी। आप प्लीज अपनी नौकरी कीजिए और मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ठीक है, इस वक्त आपको अपनी मम्मी के साथ रहना चाहिए। गुस्से में आकर अगर आपने अपना होश खो दिया तो और कुछ गलत हो जाएगा। अगर आपने ड्राइवर रखते समय होश से काम लिया होता ना, तो ये सब नहीं हो रहा होता। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए, मैं सब ठीक करूंगा। अच्छा, क्या करेंगे आप? कोई प्लान है आपके पास? हाँ, मैंने एडवोकेट से बात कर ली, जब ही कोर्ट खुलेगा तो बेल के लिए वो अप्लाई कर देगा। भाई कोर्ट खुलने का इंतजार तो हम नहीं करेंगे, और कोर्ट तो हो जाएगा जिसने रायता फैलाया। बेल का वेट कर, वो अपना गेम खेलते हैं। ठीक है, उतने में मैं वकील से बात करता हूँ, अब अपना ध्यान रखिएगा। किटी, करिश्मा तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं वो तुम्हारे घर गई थी, मुझे पता चला कि तुम सब लोग यहाँ पर हो। प्रिंस को ढूंढ रही होगी और क्या? मैं यहाँ किटी से मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? हाँ, वो एक्चुअली अंकल के बारे में पता चला, वो बहुत जल्द घर आ जाएंगे। सुरोन बारी, ओके थैंक्स करिश्मा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये दिन भी देखना लिखा था प्रधान जी, देख लिया। बजरंग जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो भाई को मन छोटा कर। अरे लेकिन ये तो मैं जानता हूँ ना, ये पुलिस वाले तो नहीं मान रहे। वो भी मान जाएगी, थोड़ा सा समय निकलेगा, बुरा समय है निकल जाएगा, आप चिंता मत करिए। जब तक आप छूट नहीं जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठे। बस आप ही का सहारा है प्रधान जी, घर में किट्टी और कमलेश अकेली है और अर्जुन भी घर पे नहीं है, नहीं तो वही संभाल लेता। आज कोई बेटा होता तो इस मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता। बजरंग जी, बेटा होने से कंधा मजबूत नहीं होता, बेटा लायक भी होना चाहिए, वरना पूरा बुढ़ापा उसके करतूतों को छुपाते छुपाते निकल जाता है। पर अच्छा हो या बुरा, वक्त दुश्मन हो तो बेटा ही काम आता है। आज इस घड़ी में तो मुझे ये बात बहुत महसूस हो रही है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन समय के साथ साथ समझ की धूल धीरे धीरे हटती जा रही है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोक लाज में चेहरे पर बेटे का गुमान लिए घूमता रहता हूं, पर सच तो ये है कि हमारी बहू हमारे बेटे से कहीं ज्यादा काबिल और जिम्मेदार है। कल से पापा जेल में, मम्मी ने कुछ खाया नहीं, ऐसी सिचुएशन में क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने केस में दिमाग नहीं लग रहा है, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। यार किट्टी, टेंशन तो ना उसे भी हो रही होगी, मतलब जिसके लिए वो ड्राइवर काम करता। हाँ, उसे भी डर तो लग ही रहा होगा ना कि वो ड्राइवर कहीं अपना मुंह ना खोल दे। अगर मैं उसकी जगह होता ना, मैं तो सबसे पहले उसे जेल से बाहर निकलवाता। मतलब जेल पर हमला? ये बात हमें पुलिस को बतानी होगी। अरे कोई इमरजेंसी लाइट जलाओ। पता
मैं जानता था तुम मुझे जरूर छुड़वाओगे। मरने से पहले इतना खुश मत हो। और हाँ, तुझे जेल से नहीं इस दुनिया से आजाद करने का ऑर्डर मिला है हमें, समझा? हाँ। पर हमने हमेशा अपने मालिक का कहा माना, फिर मुझे क्यों मारोगे? और अगर धोखे से तूने किसी का नाम ले लिया तो मरेंगे तो सब ना? मैंने आज तक कभी हरजीत का नाम नहीं लिया। सही बोल रहा है ये, इसने आज तक कभी हरजीत का नाम नहीं लिया, पर अब तो ले लिया ना। क्या? जा रहा है, ले जाओ इसे। चल अर्जित। किटी, तुम्हारे जैसे जिसकी बेटी हो ना, उस बाप का सीना गर्व से चौगुना हो जाए। अगर तुमने ये प्लान नहीं बनाया होता तो हम बजरंग जी को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाते। थैंक यू अंकल। राज, बिरजू, थैंक यू सो मच। कसम से यार, तुम दोनों ने ना एक्टिंग कर दी एकदम नेशनल अवार्ड विनर की तरह। हैंड शेक करो यार। अब तो कह रहा हूँ, देश आजाद है भाई। अंकल, पापा। देखो बेटा, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी हो जाए फिर तुम और पापा हमेशा साथ साथ, तो चले वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। अंकल कहाँ है पापा? जल्दी लाइए ना उन्हें बाहर, उनके कितना स्ट्रेस हो रहा होगा ना। किटी, मुझे लगता है तुम्हारे पापा को भी कुछ दिन और यहीं रहना होगा। क्या? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? चीटिंग, ये तो गलत बात है। अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम सब एक साथ शुरू हो जाते हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप क्यों नहीं छोड़ सकते पापा को, बताइए ना, आपको भी तो पता है अब कि वो इनोसेंट है। देखो किटी, अगर हरजीत को रंगे हाथों पकड़ना है तो तुम्हारे पापा को भी कुछ दिन और यहीं रहना होगा। मैंने बजरंग जी से बात कर ली है, वो हेल्प करने को तैयार है और उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, तुम चाहो तो उन्हें घर का खाना लाके भी खिला सकती हो। बार कहा है दरवाजा बंद कर लिया करो। माँ आ गई तुम? हरजीत, ये क्या कर रहे? पास बताना, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हरजीत, तब तक वहां खड़ी रहोगी तब तक तुम्हारी माँ की सांसें चलती रहेंगी। हरजीत, चाकू हटाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी, क्या करोगी? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। धमकी तो धमकी दे दिया करो, जब तक तुम्हारा हाथ फोन पे जाएगा ना तब तक ये चाकू अपना काम कर चुका होगा। नहीं, सैंपल दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पागल हो गए हो क्या? क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या? काम की बात ना बहुत देर से करती हो तुम, है ना मम्मी जी? सही बोल रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? पैसों की, पैसा है ना तो सब कुछ। वैसे कितना आसान है ना ये सब करना, किसी के नए घर में जाना, ट्रांसपोर्ट कंपनी में ज्वाइन करना, लोगों का विश्वास जीतना और उन्हीं के ट्रक्स में ट्रक कहीं पे भी भेजना। कहाँ कहाँ नहीं भेजे ट्रक, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद। इस बार ट्रक्स का थोड़ा कंसाइनमेंट बढ़ा था तो फिर कहीं ऐसे जाना था जहाँ पे आसानी से भेजा जा सके। तो आ गए आपके पति, और एक बार में ही पकड़ा गया ना? ऐसा तुम्हें लगता है? वो ड्रग्स मैंने ही पकड़वाए थे, पुलिस वालों को भी फोन मैंने ही किया था ताकि बजरंग को
साइड में करके मैं वो ड्रग्स दूसरे ट्रक्स में भिजवा सकता हूँ। कैसा लगा आइडिया? अच्छा है ना? अच्छा है ना मम्मी जी? नहीं 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 नहीं, बाप गया जेल। मम्मी जी मेरे कब्जे में, और बेटी, बेटी का क्या होगा मम्मी जी? ये तो मैंने सोचा ही, मेरे इशारों पे नाचेगी, नाचेगी ना, नाचेगी ना। हर्षित सुनो, चाकू हटाओ, चाकू हटाओ। पहले वो कर जो मैंने कहा। ठीक है मैं करूंगी, जो तू बोलेगा मैं करूंगी, लेकिन अभी अभी चाकू नीचे कर। माँ वैसे कमाल की चीज होती है, बच्चों से कुछ भी करवा लेती। क्या चाहता है तू? जो ट्रक्स बदलीपुर से बाहर जाते हैं हमेशा की तरह वो कल भी बाहर जाए, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनमें फ्रूट्स नहीं ड्रग्स। सुन, तू मेरे साथ जाएगी, तेरा सपना था ना अपने बाप के बिजनेस को संभालना, तो कल है तेरे पास मौका। अपने बाप के बीमार होने पे एक बेटी खुद ट्रक्स में बैठ कर ना के पार करवाए, और ट्रक्स के साथ साथ ड्रग्स को भी। ठीक है ना? वो क्या है ना, अभी अभी तो तेरे बाप के ड्रग्स पकड़े गए, तो इतनी जल्दी तो शक होगा नहीं कि इन ट्रक्स में दोबारा से ट्रक्स को भेजा जा रहा है ना मम्मी जी? हाँ। और ऐसे भी खूबसूरत तो है, तुझे देख के नाके वालों के दिल तो वैसे पिघल जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, करूंगी, जो तू बोल रहा है मैं वो करूंगी। अभी के लिए तू माँ को छोड़। ओए, आ जाओ। छोड़ो मुझे। और सुनो, अगर मुझे जरा से भी दिक्कत हुई ना तो इसे दिक्कत पहुंचाने में वक्त मत लगा। हर्षित सुन, मैं चल रही हूँ ना तेरे साथ, तू माँ को कहाँ लेके जा रहा है? लंबे साथ के लिए थोड़ी सी जुदाई जरूरी होती है। छोड़ दो मुझे। ट्रक्स पार हो जाने के बाद छोड़ दूंगा इसे। वैसे भी नमक जो खाए तेरी माँ का। देखो अजीत, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना। हाँ तो मैं भी तो आपको अपनी मम्मी जैसा समझता हूँ मम्मी जी। ले जाओ। तुम्हें मायके कैसे छोड़ूं? किटी, माँ, छोड़ दो। माँ, चल, छोड़, माँ। चलो। छोड़ मुझे हर्षित, छोड़ मुझे हर्षित, मैं कैसे छोड़ मुझे? चल। हर्षित, छोड़, छोड़ हर्षित, हर्षित, देख, जो भी तू कर रहा है ना, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आराम से जा। देख, मेरी बात सुन, बहुत बुरा फंसेगा, मैं बोल रही हूँ तुझे, मत कर ये सब। तारा, किसी स्कूल आई थी क्या? पता नहीं मैम, उसने हमें भी कुछ नहीं बोला। तारा, किटी स्कूल आई क्या? नहीं भाई। प्रिंस, ये सब क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना? तो मैम, हमने किटी को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारा एक भी कॉल नहीं उठाया। कहीं किटी प्रॉब्लम में तो नहीं? मैम, कहीं हरजीत को सब पता तो नहीं चल गया? भाई, हम किटी के घर चलते ना प्लीज। हाँ, तुम दोनों जाओ और मुझे इन्फॉर्म करते रहे। जाओ, संभाल के। हाँ, दरवाजा खोलिए। तारा, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? अरे किटी फोन नहीं उठा रही यार, सोचा घर चले। हाँ, मैंने भी ये सोचा था, तू अच्छा सोचता है। वो तेरी, घर में तो कोई भी नहीं है। किटी, 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 किटी कहाँ है आप? किटी, तारा, तारा, तुम किटी के रूम में चेक करो, अदरक वहां पे। हाँ, मैं चेक करता हूं। चलो निकलो। कोई तो क्लू छोड़ा होगा।
पता है ना क्या बोलना? And I hope you love your mom. लॉरी में क्या है? फ्रूट्स है सर. फ्रूट है? पेपर बताओ. तुम क्या कर रही हो गाड़ी में? सर ये ट्रक मेरा ही है, वो पापा थोड़े बीमार हो गए हैं तो मुझे आना पड़ा. अभी काम ही ऐसा है, रोक नहीं सकते ना किसी कारण. और ये क्लीनर और ड्राइवर पे भरोसा नहीं कर सकते, कहीं भी गाड़ी रोक के सोने लगे है ना. ठीक है ठीक है, हेलो जाओ. ए ये करने की जरूरत नहीं रे, जाने दो, चलो निकलो. तो अपनी अटलास कभी बाहर नहीं छोड़ती. छत्तीसगढ़ भाई अदरक. ये देखिए, ये देखिए, छत्तीसगढ़ पे मार्क किया, यहां भी कुछ लिखा है. बजरंग जी को सेफ हाउस पहुंचा दिया ना? गुड. अरे अरे तुम सब यहाँ? अंकल हरजीत किट्टी को लेकर शायद छत्तीसगढ़ की तरफ गया है. तुम्हें कैसे पता? वो हम किट्टी के घर गए थे और वहाँ कोई था नहीं. उसने माली के कुछ क्लूज छोड़ा, आप भी देख लीजिए. किट्टी जानती थी मुझे ढूंढते, उसके घर तो जरूर जाएंगे. ये छोटे छोटे क्लूज सारे उसने छोड़ दिए वहाँ पे, जो हरजीत की नजर से बच गए. छत्तीसगढ़ तो ये हुआ, ये भी कोई क्लू हो सकता है क्या? ये अंकल वर्ड पंजाब नहीं, फ्लाइंग पंजाब. फ्लाइंग मतलब तारा? फ्लाइंग मतलब उड़ना. उड़ता पंजाब. उड़ता पंजाब? पर तुम तो कह रहे थे छत्तीसगढ़ लेके जा रहे हैं. उड़ता पंजाब तो एक मूवी है ना? हाँ हाँ, और वो मूवी ड्रग्स पे बेस्ड है. इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हरजीत ड्रग्स लेके छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हो. ड्रग्स? ड्रग्स का कारोबार? हेलो, नाकेबंदी कर दो अच्छी तरह से सभी टोल नाके पे, और खासकर छत्तीसगढ़ तरफ जाने वाले सभी ट्रकों की अच्छी तरह से तलाशी लो, चाहे उसमें फ्रूट भरा हो चाहे अनाज. हो सकता है अनाज में छुपा के ले जा रहे हो. चलो. वैसे मैं तुमने अच्छा नहीं किया, एक ड्रग्स डीलर को ड्रग्स पार करवाने में तुमने उसकी मदद कर दी. वेरी बैड. काम हो गया ना तुम्हारा? ज्यादा उछलो मत. मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दो. कल रात से तुमने मुझे कमरे में बंद रखा है, कुछ नहीं खाया मैंने तब से. देखो मैं पहले ही कमजोरी के कारण बेहोश हो गई, फिर से होगी ना तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, सोच लो. अरे वो ढाबे के पास रोड है, सिर्फ 10 मिनट. तू भी खाना खाना. भाई साहब. हाँ जी, सत श्री अकाल जी. क्या खाओगे? दाल मखनी, दाल फ्राई, आलू पालक, मटर पनीर? आप अब भिंडी दाल और रोटी ले आइए. ठीक है जी. आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक. सब गलती मेरी है, मुझे हरजीत को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए था. एक छोटी सी गलती के कारण आज पूरे परिवार की जान दांव पे लगी हुई है. जो हो गया सो हो गया बजरंग जी, अब इसकी चिंता कीजिए कि आगे कोई गलती ना हो. दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पकड़े जाएंगे. चलो जरा तेज. हरजीत मैं हाथ धो के आती हूं. क्या बैठे रहो यहाँ पे? हरजीत हाथ तो धोने दो.
जाऊं? जाओ। अंकल सुनिए, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। ये मेरी फ्रेंड का नंबर है, आप प्लीज उसे फोन करके बता दीजिए कि मैं यहाँ हूँ। प्लीज कुछ पता भी नहीं किट्टी कैसी है, कुछ खबर मिल जाती तो अच्छा होता। अनोन नंबर, हेलो। मुझे किट्टी ने आपका नंबर दिया था तो उसने आपकी हेल्प मांगी है। हाँ हाँ अंकल बोलिए, कहाँ है वो और उनसे बात हो सकती है अभी हमारी? नहीं अभी उससे बात नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी के साथ बैठ के खाना खा रही है। एड्रेस पूछो, एड्रेस। अंकल आपका एड्रेस? हैवे परी सूरजपुरा पार करके चौथा ढाबा है, मुन्ना दा ढाबा। भाई 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 मैसेज आया, मैसेज। एक सेकंड। क्या मैसेज है? तारा का क्या लोकेशन भेजिए कोई, तो चलते हैं वहाँ। बताओ कहाँ है? मुझसे हो नहीं रहा यार, उस लिंक को प्रेस करो जल्दी। ये हो भाई यार, कर दे ये रहा। हाँ। जो भी डायरेक्शन बोले बता दे रहना हमको। ठीक है ठीक है। हरजीत मैं बाथरूम भी हुआ था। क्या बाथरूम, क्या हाथ धोना, क्या लग रखे हैं? बैठे रहो यहाँ पे। बाथरूम तो जाने दो, पीछे ही है तुम्हारे। प्लीज प्लीज जाने दो, जल्दी जाओ। दूरी पर है, इसी रास्ते पे है। तेज चलाना जरा। इतना टाइम, जल्दी खाना खाओ, 5 मिनट रह गए। बेटा अभी और कितनी दूर है? 5 मिनट और है। 5 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे, देखो ना। मैंने आपको अपनी बेटी के लिए इतना तड़पते हुए कभी नहीं देखा। जब पास होते हैं तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, दूरियां अक्सर नजदीकियां बढ़ाती हैं। जल्दी खाओ। चलो उठो, हो गया, जल्दी उठो। क्या हो गया? ओहो, ज्यादा खा लिया मैंने, पेट दुख रहा है। 5 मिनट दो। काम में मत करना, ठीक है ना? जी मैं सच कह रही हूँ। आओ आओ जी। सर टायर पंचर है। क्या? टायर पंचर है।
सोने तू देख के नहीं चला सकता क्या? अभी 5 मिनट में कर देगा। 5 मिनट में बनाता हूँ मैं। अजीत सुनो, तुमने प्रॉमिस क्या था? तुम चुप रहो ठीक है ना? देखो तुमने प्रॉमिस क्या था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम माँ को छोड़ दोगे, मुझे माँ से मिलना है। अजीत तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा दिमाग मत खराब करना। अजीत अजीत इतना बोल दो कि वो है कहाँ, इतनी से ही तो सली हो जाएगी मुझे। अजीत तुम चुप रहो क्या नहीं? अच्छा एक काम करो फोन पे बात करा दो, मैं इतने से ही खुश नहीं मानेगी वैसे। मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? भाई देश आजाद है। बोल कमलेश कहाँ है? अब कहाँ है कमलेश जी? मुझे नहीं पता। पापा इसी को पता है, इसी ने क्या छुपाया उन्हें? बोल पता बताता है, मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं। बोल कोई चारा नहीं तेरे पास, पता वो पीछे ट्रक में। हरिओम जी पकड़ो गुस्से में इसको। अदरक अब हटो एक सेकंड। अंदर रुके लाते हैं नदी को। आंटी यहां पर है। माँ आंटी कुछ नहीं होगा। उठो उठो माँ ध्यान से। माँ तुम ठीक हो? ठीक है बेटा। कमलेश मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज बस अंत भला तो सब भला। माई की कृपा से हम लोग सब मिल गए फिर से। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। नहीं करेंगे। अच्छा मत करना, कभी मत करना। किटी तुझसे एक बात पूछनी थी बेटा। हरिओम जी ने मुझे बताया तूने जो जो किया, इतनी हिम्मत कहां से आई बेटा? आपसे पापा, आपकी बेटी हूं ना, डीएनए तो आप ही का होगा। मानव, बजरंग जी जब जेल में थे तो उन्होंने प्रधान जी से एक बात कही थी, याद है? कि काश मेरा एक बेटा होता तो आज मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता। बजरंग जी सिर्फ बेटी का रोना ही रोते रहते हैं। लेकिन किट्टी ने कितना कमाल कर दिखाया है कि नहीं? हरजीत का भांडा तो फोड़ा ही, साथ ही साथ अपने पिता बजरंग जी को भी जेल से छुड़वा दिया। वही तो, सारा मामला माँ बाप के ऊपर ही तो निर्भर होता है कि वो अपनी बेटियों को किस तरह से बड़ा करते हैं। परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि चाहे बिजनेस हो या घर, कोई भी मुसीबत हो लड़कियां उन सब से निपट सके। सही कहा तुमने। अक्सर माँ बाप अपनी बेटियों पे इतनी रोक टोक लगा देते हैं कि उनका दायरा घर तक ही सीमित होकर रह जाता है। आप बताएं आप क्या करेंगे जिससे आपकी बेटी घर और बाहर की दुनिया दोनों ही में अपनी पहचान बना पाएगी? सोचिए, आपस में बात कीजिए और हल निकालिए इसका। और देखते रहिए आधा फुल, फिर मिलेंगे। लो खीर खा लो।